हेलो बच्चो, आई एम बैक। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बच्चो, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जस्ट अ सेकेंड। ओके जस्ट अ सेकेंड बच्चो, गिव मी अ मोमेंट, मुझे चेक करने दो अगर इफ आई एम स्ट्रीमिंग और नॉट। I should be. Yeah. Yes, I am streaming. Hi, Reina. Ooh, Reina, you're right. I'm only 1 minute late. Isn't it good? Hi, Mr. Creative and Attractive. I forgot your name. आपका नाम क्या है? बहुत बारी मेरी क्लास में आते हो. I remember you. Hi, Shravani. Hi, Abhinanda. Hi, Vansh. Good morning, good morning, good morning, good morning, Shravani. Hello, bacho, I am back. Your English educator is back. Hi, Tanya. Hi, Raina. Hi, Daksh. Shaurya, yes, I remember you. अभी तो तुम मेरी सुबह 10 बजे की क्लास में थे. मेंटी होगी? हाँ यार, तुम लोगों को मैम से भी प्यार है कि नहीं? या सिर्फ, पहले बताओ, मैम और मेंटी बताओ. मैम और मेंटी बताओ बताओ बच्चों. हाय मीरा, हाय अर्चना, हाय आरुषि. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. चार्ली ने मैम चूज किया, अनमोल ने किया है, अभिनंदा ने किया है, जारिया ने किया है, ईवा ने किया है, प्रसाद ने किया है, तान्या, मीरा, ओ शौर्या ने मिंटी चूज किया है. ठीक है शौर्या, आपको हम मिंटी दे देंगे. जारिया, हाय जारिया. ओके दक्ष ने दोनों चूज किया है. ओ वेरी गुड, नीतीश ने इसके साथ साथ ब्रूनो को भी चूज किया है. वेरी गुड, वेरी गुड. गुड मॉर्निंग डेथ स्टॉर्म. हाय शांतनु, शांतनु आपका नाम अंशुमन है राइट? हर्षित, ओके. हाय हर्षित, टॉप ऑफ द मॉर्निंग रैना, सो स्वीट. चलो बच्चों, मैम मैम सबको प्यारी है मुझे पता है. मिंटी भी बहुत प्यारी है मुझे पता है. उसके साथ साथ ब्रूनो भी बहुत प्यारा है ना? तो ब्रूनो, मैम और मेंटी, आपको ये तीनों चीजें बहुत प्यारी है मुझे पता है. तो डोंट वरी, हम ये तीनों चीजें करेंगे. ब्रूनो का तो आई एम नॉट श्योर, वो मस्त अभी सो के सोया हुआ है. मेंटी इज इक्वल टू फन, मेंटी इज इक्वल टू सुन फन, हाउ स्वीट इज दैट. ब्रूनो देखना है. अच्छा मैं ना बच्चों एक काम करूंगी, मैंने ना उसकी एक बहुत ही क्यूट सी वीडियो शूट की है, ठीक है, ब्रूनो की. तो मैं आप लोगों को फ्राइडे को जो हम अपने मस्ती करेंगे ना, मैं आपको फ्राइडे को दिखाऊंगी, ठीक है? फ्राइडे को हमारा मस्ती का दिन है ना, तो मैं फ्राइडे को आपके लिए मैं क्यूट क्यूट ब्रूनो की वीडियोज लेकर आऊंगी, ठीक है? वॉट इज फन टी? फन की मेंटी इज फन टी अनमोल. Who is Bruno? Bruno is my cute, cute little pet puppy. Hi Aditi, hi Abhinanda. Abhinanda, of course I remember you, yaar. Ye koi poochne ki baat hai? Bilkul I remember you. हाय अदिति, ये नितीश, थैंक यू सो मच. चलो बच्चों बहुत अच्छे. सो आज है वेंसडे, जैसे मैंने आपको सुबह बताया था. हमने हमारा तो वेंसडे को हमारा वोकैबलरी और इडियम्स का डे होता है, राइट? हम हर वेंसडे को वोकैबलरी करते हैं और इडियम्स करते हैं. तो आज भी हमारा वोकैबलरी और इडियम्स का डे है बच्चों, ठीक है? तो अभी हम करेंगे इडियम्स की सुपर डुपर मेंटी. बिल्कुल. What is the breed of Bruno? नहीं होता है. What is Bruno's breed? You have to correct your English, Anmol. Bruno's breed, he is a golden retriever. Hi Sushant. Hi Satyam. Harshit, not Prasad. ठीक है Harshit, no problem. Hi Aditi. Yes, I do remember you.
प्लीज शो ब्रूनो यार, वो तो भी सो रहा है ना। आई कांट पिक हिम अप ना, सॉरी नॉट पिक हिम अप, आई कांट वेक हिम अप, ही इज स्लीपिंग। 12 बजे उसका खाने का टाइम है, तो आई थिंक 12 बजे ही विल गो आउट एंड नाइसली ईट हिज फूड, देन ही विल गो इन द गार्डन, स्ट्रोल, डू हिज सुसु पॉटी एंड एवरीथिंग, एंड देन ही विल कम बैक। चलो ठीक है बच्चों, बहुत मजा आएगा। अभी हम लोग इडियम्स की मेंटी करेंगे और ब्रूनो की मैं क्यूट क्यूट सी वीडियोस ना आप सबको फ्राइडे को दिखाऊंगी। फ्राइडे हमारा मस्ती का दिन होता है ना, तो हम ब्रूनो की वीडियोस फ्राइडे को देखेंगे। ठीक है, सो अभी हम लोग चलते हैं आगे। हाय श्रावणी, ऑफकोर्स श्रावणी आई रिमेंबर यू, अभी पिछली क्लास में आपने मेरे को इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं, बड़ा ही मजा आ गया सुन के। इडियम्स क्या होते हैं? इडियम्स होते हैं मुहावरे। ज्योति इज आस्किंग मी व्हाट आर इडियम्स। थैंक यू अभिनंदा। इडियम्स आर मुहावरे, जिनको आप हिंदी में मुहावरे बोलते हैं ना, दे आर इडियम्स। ठीक है, हाय सत्यम, मोस्ट वेलकम, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट एंड मोर। चलो बच्चों, सो मोस्ट वेलकम टू योर इंग्लिश एजुकेटर सेशन, एंड मेरा नाम है सोनम सूदन। इनकेस अगर कोई नया बच्चा आज क्लास में आया है जिसको मेरे बारे में पता नहीं है, सो दैट्स व्हाट माय नेम इज, आई एम सोनम सूदन, आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर। तो हम लोग आज करने वाले हैं इडियम्स की मेंटी, बट बिफोर दैट गाइज लेट मी वेरी क्विकली टेल यू टू, यू कैन जॉइन द अन अकेडमी का टेलीग्राम का लिंक। ठीक है, अन अकेडमी क्लास 6 का चैनल है ये, उसका टेलीग्राम लिंक है, और ये लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप जाके इसको ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है, लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ ऑल दीज सेशंस आपको मिलेंगे, डायरेक्ट इंटरेक्शन होगी आपकी टीम के साथ, तो बहुत बेनिफिट होता है। दैट्स ग्रेट श्रावणी, दैट्स ग्रेट, विशिंग यू हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। हाय मामस, गुड मॉर्निंग, वेर इज द लिंक, इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर चीज का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, आस्क आउट का लिंक है, कॉम्बैट का लिंक है, अनअकैडमी ऐप का लिंक है, देन मेरी प्रोफाइल अगर आपको अनअकैडमी ऐप पर देखती है उसका भी लिंक है, हर चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, चलो सो लेट्स गो अहेड बच्चों। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू ऑल शुड बी अवेयर ऑफ, बग्स बाउंटी। अगर आपको किसी भी एजुकेटर का कॉन्टेंट इनअप्रोप्रिएट लगता है तो आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देन इज बच्चो अन अकेडमी आस्क आउट। वॉट इज आस्क आउट? एक ऐसा फीचर है ब्रॉट यू बाई अन अकेडमी, जहाँ पर आप पूछ सकते हैं अनलिमिटेड डाउट्स एनी टाइम थ्रू आउट द डे, और आपको जवाब में मिलेंगे वीडियो सोल्यूशंस इन इंग्लिश एंड हिंदी, और आपको जो सोल्यूशन मिलेंगे बच्चों वो बहुत ही इंस्टेंट होंगे, बहुत ही एक्यूरेट होंगे। यूज़ कैसे करना मैं आपको बता देती हूँ। सो यू हैव टू गो टू द अन अकेडमी ऐप। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये फीचर बिल्कुल फ्री है, आपने सब्सक्रिप्शन खरीदी है या नहीं खरीदी है आप इसको फिर भी यूज़ कर सकते हैं। That's great, Abhinanda, you have a Labrador. Okay, so बच्चों Ask Doubt को आपको यूज़ कैसे करना है, गो टू द अनअकैडमी ऐप, क्लिक ऑन Ask Doubt, ठीक है, फिर आप लोग अपने डाउट का एक पिक्चर क्लिक करें, पिक्चर क्लिक करने के बाद में उस पिक्चर को क्रॉप करें, क्रॉप करने के बाद में आप लोग अपना जो क्वेश्चन है उसको भेज दें, विद इन नो टाइम यू विल गेट एन आंसर। चलो सो हियर इट इज बच्चों, अपकमिंग कॉम्बैट जो है 15 अगस्त को, यानी कि इंडिपेंडेंस डे को है, दोपहर को 12 बजे, क्लास 6, 7th और 8th के लिए, ठीक है। सो डू एंजॉय योर इंडिपेंडेंस डे विद द कॉम्बैट, और कॉम्बैट में है क्या? मेरे पास गोल्डन हैट है, किसको दूं? नीतीश, ये कोई पूछने की बात है? ऑफकोर्स मुझे दो यार, ऑब्वियसली। बच्चों क्या बोलते हो, नीतीश को गोल्डन हैट किसको देनी चाहिए? गाइस व्हाट डू यू सजेस्ट नीतीश? Today's not friends in Anmol, that's great. हाँ देखा, अदिति, अदिति ने भी आपको ये बोल दिया। चलो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। So yes, थैंक यू सो मच बच्चों। मैं ऐसे मजाक कर रही थी यार, आपकी मर्जी है जिसको देना है, दो, मैं ऐसे मजाक कर रही थी, आई वाज जस्ट जोकिंग। सो या, जिसका आपको मन है उसको, जिसको मन है आप उसको दे दो गोल्डन हैट, भाई आपकी मर्जी है, आपकी गोल्डन हैट है, इट्स योर चॉइस कम्प्लीटली। थैंक यू अभिनंदा, थैंक यू, लव यू टू, थैंक यू आयुषी, लव यू टू,
अनमोल यू ऑल्सो हैव अ गोल्डन रिट्रीवर, बहुत अच्छी बात है. बच्चों मैं आपको थोड़ा सा अन अकेडमी कॉम्बैच के बारे में बता देती हूँ. सबसे पहली बात, यू हैव टू रजिस्टर यूजिंग माई कोड SOS10. तो ये कोड यूज़ करके आप अन अकेडमी कॉम्बैट में रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है. तो बच्चों यहाँ पे अगर आपको करोड़पति बनना है ना, ठीक है, अगर आपको करोड़पति बनना है ना, तो इसका शॉर्टेस्ट तरीका है कॉम्बैट में पार्ट लो, ठीक है. तो इसके अंदर क्या है, 30 questions हैं, 45 minutes हैं. ये टेस्ट इंग्लिश और हिंदी दोनों में है और ये एक फ्री लाइव टेस्ट है जो सिर्फ एंड्रॉयड ऐप पर ही लिया जा सकता है. तो जल्दी से जाइए एंड एनरोल योर सेल्फ इन दी अन अकेडमी कॉम्बैट. चलो, हे आकांक्षा, हैप्पी बर्थडे. दिव्या, ये बच्चे इंग्लिश की क्लास है. अरे क्या बात है, बहुत अच्छी बात है सत्यम, बहुत ही अच्छी बात है. 10 golden hats हैं आपके पास, मतलब कमाल ही हो आप तो. हाय प्रगति, चलो बच्चों आप भी हम करेंगे idioms की मेंटी, ठीक है. सो आई होप यू ऑल आर रेडी. ठीक है नितीश, नो प्रॉब्लम. कस्टमर केयर नंबर, नेहा अपेरेंटली आई डोंट हैव द कस्टमर केयर नंबर. आई डोंट थिंक दे हैव एनी कस्टमर केयर नंबर नेहा. यस, ओके. चलो बच्चों, लेट्स गेट रेडी फॉर द idioms की मेंटी. हाय ट्विंकल, आई लाइक योर नेम ट्विंकल, क्यूट. ये गोल्डन क्या है, कौन सा गोल्डन? गोल्डन हैट, ओके. मैम जिस नंबर पे कॉल आया था वो नंबर मेरे पास नहीं है. ओके नेहा, आई एम नॉट टू श्योर, बट लेट मी, आई विल चेक आउट फॉर यू. अगर उनका कोई कस्टमर केयर नंबर होगा आई डेफिनेटली चेक आउट फॉर यू, ठीक है. आई विल गेट बैक टू यू. नेहा मैं आपको ना कस्टमर केयर नंबर अगर कोई है तो मैं आपको चेकआउट करके बताऊंगी, ठीक है. नितीश डोंट वरी, वी विल चेंज द बैकग्राउंड. एक क्वेश्चन कर लो फिर चेंज कर देंगे, ठीक है. बच्चों द कोड इज 5160 94 86. मैं कमेंट्स में लिख लेती हूँ 5160 94 86. हाँ यस नेहा, क्या डाउट है आपका? हाय साक्षी, अभिनंदा, यू आर द फायर 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 ऑन. इज दिस द वन वोल्केनो? कुड यू आंसर माय क्वेश्चन? यस दक्ष, व्हाट्स योर क्वेश्चन डियर? सॉरी आई मिस्ड इट आउट, फिर से लिख दो. क्या क्वेश्चन है आपका दक्ष? idioms, यार idiom होते हैं मुहावरे. I am Arpit, got 50% scholarship. Can I use referral code also with 50% scholarship? Okay, wait. Arpit, I will get back to you, ठीक है? Arpit, मैं ना कंफर्म करके आपको बताती हूँ. एक मिनट रुक जाओ, मैं कंफर्म करके आपको बताती हूँ. अर्पित लेट मी कंफर्म एंड आई विल गेट बैक टू यू, ठीक है. मुझे पता नहीं है वेदर यू कैन डू दैट और नॉट, आई विल हैव टू आस्क समबडी एंड देन गेट बैक टू यू, ठीक है. प्रगति इज द स्ट्रॉबेरी, ओके. यार मुझे पता नहीं है बच्चों, ईवा इज, बच्चों कैन यू, कैन समबडी हेल्प ईवा? आई हैव टू अगेन एनरोल विद एंड्रॉइड. अच्छा ओके, यू एनरोल्ड विद iOS. व्हाई डू यू नीड टू एनरोल अगेन विद एंड्रॉइड? नहीं आई थिंक दैट विल डू दक्ष, यू डोंट नीड टू एनरोल अगेन.
बच्चों कैन यू हेल्प ईवा? बच्चों कैन यू हेल्प ईवा? ओके YouTube पे आंसर दे सकते हैं क्या? फिर लीडर बोर्ड में नाम आएगा? नहीं। सो यश, आपने मुझे अपना नाम बताया था, मुझे आपका नाम भूल गया। YouTube पे आंसर देने से लीडर बोर्ड पे नाम नहीं आता है, ये अगर आप मेंटी के अंदर ही पार्टिसिपेट करोगे तभी आएगा। कैसे हेल्प करें? अच्छा मैम, आई हैव एनरोल्ड कॉम्बैट विद iOS अगेन। इट्स ओके, आप अगर iOS से भी एनरोल करते हो देन ऑल्सो इट्स फाइन दक्ष, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओ नो 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 नो, यू विल हैव टू एनरोल विद एंड्रॉयड, नॉट विद iOS। नो 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 नो, यू विल हैव टू यू विल हैव टू एनरोल विद एंड्रॉयड, नॉट विद iOS। नो 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 दक्ष, आपको iOS से नहीं, आपको एंड्रॉइड से ही टेस्ट देना पड़ेगा। आई हैव अ प्रॉब्लम व्हेन आई ओपन इट गोज होम पेज। व्हाट सत्यम, फिर से अपना क्वेश्चन लिखो डियर। व्हाट इज गोल्डन हैट? कैन समबडी हेल्प प्रगति एंड ईवा? चलो बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट द मेंटी। हाय अनन्या, यस आई रिमेम्बर यू। हाँ, आपको फिर से एनरोल करना पड़ेगा। चलिए अनुराधा, आई थिंक आपको फोन से ही कॉम्बैट देना पड़ेगा, लैपटॉप से नहीं। चलो बच्चों, लेट अस स्टार्ट एट द काउंट ऑफ 1, 2, 3 and go. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अर्पित, आर यू हियर? अर्पित, अर्पित आर यू हियर? आपने अभी भी मेरे को एक क्वेश्चन पूछा था ना, व्हाट्स द कोड? वेट, अनन्या द कोड इज SPSO10 और SOS10, ठीक है? हाँ, हाय मेधांश, अनन्या आई होप इट हैज हेल्प्ड यू। नाउ कमिंग बैक टू अर्पित, अर्पित इफ यू आर हियर, अगर आपको कॉम्बैट से 50% स्कॉलरशिप मिली है तो आप उसके साथ में एजुकेटर का कोड नहीं यूज कर पाओगे, आपको उसी का एक कोड मिलेगा, आपको वही यूज करना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है, चलो। हाय आयुषी, चलिए नाउ लेट्स गो बैक टू दिस दिस ईडीएम वाला क्वेश्चन। To fall flat means to be met with a cold reception. So basically आपको बताती हूँ बच्चों, fall flat का मतलब क्या होता है। Fall flat का मतलब होता है, अगर आपने कोई चीज़ मान लो किसी तरीके से सोची है, ठीक है, मान लो आपने सोचा है कि भाई मैं मेरा मैं अगर ये काम करूँगी तो मुझे इसका ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा, और आपको वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, दैट इज वेन दैट इज वॉट इट मीन्स टू फॉल फ्लैट। फॉर एग्जाम्पल It was, I mean, everything fell flat when I met him at the airport. यानी कि मान लो अगर आपने एक बंदे के बारे में सोचा है particularly कि आप जब उससे मिलोगे तो आपको ऐसा टाइप का रिस्पॉन्स मिलेगा, बट आपको वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, दैट इज वेन यू विल से टू फॉल फ्लैट।
राइट. सो फॉर एग्जाम्पल आई कैन से दैट व्हेन आई मेट हिम एवरीथिंग फेल फ्लैट. दैट मीन्स जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ. दैट इज हाउ यू कैन यूज इट. हाउ टू गेट अ गोल्डन हैट. भाई कैन एनी बडी हेल्प ईवा? शी हैज बीन आस्किंग मी दिस क्वेश्चन फॉर क्वाइट क्वाइट अ वाइल. कैन एनी बडी हेल्प ईवा? ईवा को बता दो भाई गोल्डन हैट कैसे मिलती है. ईवा को बता दो जल्दी से. व्हाट इज अ गोल्डन हैट? शौर्या अनअकैडमी की ऐप पर क्या होता है मैं आपको बताती हूँ. जो अनअकैडमी, इफ माई अंडरस्टैंडिंग इज करेक्ट, अनअकैडमी की ऐप पर क्या होता है, अगर आप कुछ पर्टिकुलर टाइम स्पेंड कर दो उनके अलग अलग लेक्चर्स को देखने में, मान लो आपने कुछ 100 मिनट स्पेंड कर दिए, 1000 मिनट स्पेंड कर दिए, कुछ इस तरीके से अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, तो अगर आप वो पूरे कर लो, उतने मिनट्स आप उनकी ऐप पे वीडियो लेक्चर्स देखने में स्पेंड कर दो, दैट इज़ व्हेन यू गेट अ पर्टिकुलर हैट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई थिंक 500 मिनट्स पे मिलती है, 100 मिनट्स पे ऐसे कुछ होता है शायद. ठीक है, क्लियर हो गया. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू बच्चों. इस तरीके से आप लोगों को कुछ हैट्स मिलती है ऑन द अनअकैडमी ऐप. सो या दैट्स अबाउट इट. और कुछ नहीं होता है गोल्डन हैट. तो ईवा आप मुझे पूछ रहे थे बार बार, आई होप दिस हेल्प्स यू. ओके, योर रैंक इज 7th बट इट्स नॉट एट द लीडर बोर्ड. आई एम नॉट टू श्योर दक्ष, कुछ तो कैलकुलेशन होती है इसकी. फिलहाल देखिए, जसमीत, डायना, शौर्या, आकांक्षा, लव यू टू, चार्ली, वी एस, अपूर्वा, मान्या, बेयोंसी एंड नवराज. हाँ, तो गोल्डन हैट अगर आपके पास सत्यम है तो आप उसको किसी टीचर को डेडिकेट कर सकते हो. आप कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हो किसी टीचर को कि भाई ठीक है, मतलब यू नो एनीथिंग, इफ यू विश टू एक्सप्रेस समथिंग टू अ टीचर तो आप उसको ये हैट को यू नो डेडिकेट कर सकते हो. इसीलिए होती है गोल्डन हैट, दैट्स ऑल. चलो, सो लेट्स गो अहेड बच्चों. सेकंड क्वेश्चन. अच्छा, दानिया. ओह ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी. पक्का पक्का पक्का, आई विल करेक्टली प्रोनाउंस इट, दानिया. यू वेलकम सत्यम. यस दिया, क्या क्वेरी है आपकी? हाय अभिषेक, हाय साक्षी. भाई राइट हैंड मैन का ऑनेस्ट, राइट हैंड मैन का मतलब ऑनेस्ट पर्सन नहीं होता है. राइट हैंड मैन का मतलब होता है द मोस्ट एफिशिएंट असिस्टेंट. ठीक है, तो मान लो अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि आपका आपका असिस्टेंट है और आप उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हो, दैट्स व्हेन दैट पर्सन इज़ योर राइट हैंड मैन. सो राइट हैंड मैन्स मैन मीन्स अ वेरी वेरी एफिशिएंट असिस्टेंट. सो या दैट्स अबाउट इट. सानवी, ये क्लास 12:30 तक होगी बेटा. अगर ये 12:30 तक होगी तो ऑटोमेटिकली 12 बजे तो कवर हो ही जाएगा ना. ओके, दानिया, आकांक्षा, विदिता, आदर्श, सोनम, सूदन, मैं भी मेंटी खेल रही हूँ, मुझे पता ही नहीं था, जसमीत, रैना, शौर्या, अमरनाथ एंड ज्ञानव. दैट्स ग्रेट रैना, दैट्स ग्रेट. ओके, लेट्स गो अहेड. या सत्यम, व्हाई नॉट, आप बिल्कुल यूट्यूब पर ही आंसर दे सकते हो, डेफिनेटली, व्हाई नॉट. चलो बच्चों, लेट्स गो अहेड. एट द काउंट ऑफ 1, 2, 3 एंड गो.
सी आई टू आई का मतलब होता है जब आप किसी से अग्री करते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई बात बोलो और मैं आपकी बात को अग्री कर जाऊँ, मैं मान जाऊँ कि अरे हाँ, जो आप बोल रहे हो वो सही है, दैट इज वेन आई विल सी आई टू आई. मतलब दैट आई मीन, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से वी सो आई टू आई एंड द डील वॉज क्रैक्ड, यानी कि वी अग्री विद ईच अदर और डील जो है वो क्रैक हो गई. सो दैट्स वॉट इज बेसिकली मेन बाई टू सी आई टू आई. बच्चों नोट डाउन कर लो ईडियम. आप लोगों ने, मैंने बोला, मैं बोलना भूल गई, क्या आप लोग ईडियम्स को नोट डाउन कर रहे हैं? रहना, आर यू गुड इन ग्रामर? आई थिंक यू आर. आप मेरे से जितने ज्यादा बात करोगे इंग्लिश में, तो मुझे, मैं असेस कर पाऊंगी. जल्दी से बच्चों लिख लें, सी आई टू आई को लिख लें. हाय अभिनंदा, जल्दी से लिख लें. अदिति, ओ सॉरी बच्चों, जल्दी से लिख लें, नोट डाउन कर लें. कैन यू, सत्यम, ओके, मैं फिर से बोलती हूँ बच्चों, टू सी आई टू आई मीन्स टू अग्री विथ समबडी. चलो लेट्स गो अहेड. अभिनंदा, आई एम नॉट श्योर यार, वो कुछ कैलकुलेशन होती है शायद इसकी, दैट्स वाई. रोटेड नहीं होता है, रोट होता है अदिति, इट्स नॉट रोटेड, इट्स रोट. ओके, दानिया, विदिता, शरल, चार्ली, आकांक्षा, नवराज, आदित, लर्नर ऑफ द वीक. ओके, मिहिर, वीएस एंड युवराज. हे अभिनव, रोटेड नहीं होता है, रोट होता है, रोट. ओके, फोर्थ क्वेश्चन. ऑल एंड ऑल का क्या मतलब होता है? ऑल एंड ऑल का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट. रहना, यू नो दिस इडियम, दैट्स ग्रेट. ऑल एंड ऑल का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट. रुको, मैं इसका आपको एक प्रॉपर वो देती हूँ, होल्ड ऑन. मैं इसका आपको एक सेंटेंस बना के देती हूँ. वेट वेट वेट, या सो बेसिकली बच्चों, ऑल इन ऑल का मतलब होता है समथिंग विच इज लाइक, मतलब अगर पूरी जो भी बात हो रही है उसका एक कंप्लीट, अगर आप एक समरी या क्रक्स निकालो, और यू टॉक अबाउट समथिंग विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउट ऑफ इट, दैट्स व्हाट इज मेन बाय ऑल इन ऑल. फॉर एग्जांपल, अगर आप मान लो कोई बात चल रही है, तो आप एंड में बोल सकते हो, ऑल इन ऑल आई थिंक दिस वॉज अ सक्सेसफुल मीटिंग. सो व्हाट यू मीन इज कि इट्स लाइक, मतलब बॉटम लाइन या समरी अगर आपको पूरी की पूरी डिस्कशन की देनी है, दैट्स व्हेन यू विल यूज दिस इडियम ऑल इन ऑल. हाँ, ईवा, ये पुरानी मेंटी है डियर, बट देखो पुरानी मेंटी होने के बावजूद भी कितने बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं, खुद देखो. हाँ करेक्ट रहना, बिल्कुल सही. ओ श्रावणी, सॉरी आई कांट शेयर दैट. बिल्कुल सही ईवा, ये पुरानी मेंटी, और खुद देख लो पुरानी मेंटी होने के बाद भी कितने कम बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, खुद देखो. ओके, विदिता, दानिया, मिहिर, रैना, शरल, चार्ली, आकांक्षा, नवराज, आदित्य एंड वीएस. चलो
चलो बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन. श्रावणी वेरी वेरी सॉरी डियर आई कांट शेयर दैट वेरी वेरी सॉरी. हाय शीतल. बिल्कुल. तो जिसको बोलते हैं ना कि एक अपनी सेल्फ एस्टीम या ईगो को पी के आप जो है सॉरी बोल देते हो जब दैट इज व्हेन यू ईट अ हम्बल पाई. ठीक है. हाय अभिनव. ठीक है बच्चों. सो जब अपने सेल्फ एस्टीम या ईगो को मतलब जैसे कि बस आप अपने दिल पे पत्थर रख के वो गाना ना दिल पे पत्थर रख के मैंने मेकअप कर लिया तो उसकी जगह होना चाहिए दिल पे पत्थर रख के मैंने सॉरी बोल दिया. तो बस वही होता है टू ईट अ हम्बल पाई. ठीक है. सॉरी यार श्रावणी आई कांट डू दैट वेरी वेरी सॉरी. I made this for you taste it and give feedback. और उसके बेटे बुनो. Thank you so much, Raina. It was amazing. I just tasted it. बुनो को भी खिला दिया मैंने. Thank you, अभिनंदा. Okay. विदिता, दानिया, मिहिर, रैना, चार्ली, युवराज, वीएस, आदित्य, तपस्या एंड शेरल. ओहो, जोएल जी, यू आर न्यू. ओ माई गॉड. आई होप यू नो दैट द रूल्स ऑफ दिस गेम हाँ बिकॉज यू आर वेरी वेरी न्यू. यस अद्वैत व्हाट हैपेंड. थैंक यू अभिनंदा. हाय गरिमा. सही बात है मीरा बिल्कुल सच. अ स्नेक इन द ग्रास इज नॉट एन अनरिकॉग्नाइजेबल एनिमी बट इज नॉट अ रिलायबल पर्सन. फॉर एग्जाम्पल मतलब अगर आप अपने अपना घर मान लो कि आप कभी बोल बोल सकते हो कि यार मैं तो अपने नेबर के भरोसे अपना घर छोड़ के चला गया बट आई कांट डू दैट बिकॉज आई फील ही और शी इज अ स्नेक इन द ग्रास. सो स्नेक इन द ग्रास मीन्स नॉट अ रिलायबल पर्सन. हाय मन्नत. आईसीएसई बोर्ड. देखो आदवाई मैं आपको एक बात बताती हूँ. ग्रामर जो होती है ना वो वो किसी भी बोर्ड में जो मर्जी बोर्ड के आप हो आईसीएससी आईजीसीएससी जो मर्जी बोर्ड के हो वो सेम होता है. ठीक है. ग्रामर में कोई फर्क नहीं होता. लिटरेचर में फर्क होता है. तो लिटरेचर हम लोग सीबीएसई का करते हैं बट ग्रामर हम लोग कॉमन करते हैं सबकी. ओके अभिनव. ओके विदिता, मिहिर, दानिया, रैना, चाली, युवराज, वीएस, आदित्य, धनिष्ठा एंड शौर्य. सीबीएसई की फुल फॉर्म होती है सत्यम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. चलो बच्चों सेवेंथ क्वेश्चन. ब्लैक शीप. भाई ये तो सबको आना चाहिए. बहुत बारी मैंने ये इडियम कराया बहुत बारी कराया है ये सबको आना चाहिए. बताओ. हाय आराध्या. बहुत बारी मैंने ये इडियम कराया है बच्चों ये सबको आना चाहिए. हाय प्रहर्षिता. वेरी गुड. आई एम हैप्पी कि आप सबको याद था.
A black sheep is basically an unworthy person, so somebody who is not really really worthy. यानी कि बोलते हैं ना कि एक निकम्मा है वो, मतलब पूरी फैमिली में सबसे निकम्मा है वो. That's what is meant by a black sheep. ठीक है. या प्रहर्षिता, आई स्टार्टेड द क्लास एट 11:30. मैंने बोला था ना 11:30 पे आज मेरी क्लास होगी. सो या दैट पर्सन इज अ ब्लैक शीप. नो 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 रैना, इट्स नॉट अ बैड पर्सन बट एन अनवर्दी, जिसको पता है ना निकम्मा है ये एकदम, वो होता है ब्लैक शीप. बैड पर्सन नहीं होता, इट्स अ निकम्मा पर्सन. नो प्रॉब्लम अभिनव. ओके विदिता, मिहिर, दानिया, रैना, चार्ली, वी एस, युवराज, आदित्य, धनिष्ठा एंड शौर्या. ओके एट क्वेश्चन, चलो लेट्स गो अहेड. हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही. Just a second. Okay. ऑयली टंग, बिल्कुल ये भी हमने बहुत बारी किया है. तो ऑयली टंग का मतलब होता है चिपड़ी, जिसको बोलते हैं ना चिपड़ी चुपड़ी बातें करना. सो समबडी वो जो बहुत ही मतलब ऐसे मक्खन लगा लगा के बातें करते हैं उसको बोलते हैं ऑयली टंग. ओके चार्ली, थैंक यू फॉर योर सजेशन बट आई विल चेक इट आउट. आई विल चेक इट आउट बच्चों, होल्ड ऑन. फ्लैटरी, फ्लैटरी मतलब बटरिंग करना. That is what is meant by flattery. Charlie, thank you for your suggestion. Unrecognizable enemy. ठीक है, kind of कह सकते हो इसको, पूरी तरह सही तो नहीं है. पूरे तरीके से सही तो नहीं है. That's a basically a snake in the grass means somebody whom you can't have faith on, मतलब जिस पे आप भरोसा ना कर सको. A secretly faithless friend. So basically snake in the grass is a faithless friend. So somebody whom you can't. Ma'am, do you know आंखें बंद करने से नींद नहीं. Okay, I didn't understand that. ओके सो दैट्स व्हाट. सो बच्चों चार्ली, आपका आपने मेरे को बोला था कि स्नेक इन द ग्रास में आप अनरिकग्नाइजेबल एनिमी कर सकते हो, बट नो दैट्स नॉट एग्जैक्टली करेक्ट. द करेक्ट आंसर इज नॉट अ रिलायबल पर्सन. सो बेसिकली स्नेक इन द ग्रास इज अ फेथलेस पर्सन, जिसपे आप भरोसा नहीं कर सकते. दैट पर्सन इज कंसिडर्ड अ स्नेक इन द ग्रास. सो दैट्स द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. चलिए मैं ऑयली टंग का चेक करती हूँ. ओके कैन समबडी गिव गरिमा द कोड. नो प्रॉब्लम. अरे ईवा, ये आपने बिल्कुल सच बोली बात. नींद आंख बंद करने से नहीं आती है, नेट बंद करने से आती है. या सो योर फ्लैटरी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है चलो चार्ली, आपकी आई होप कंफ्यूजन क्लियर हो गया डियर. चार्ली आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो गई राइट. श्रावणी, आई लिव इन जम्मू. ठीक है चार्ली आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो गई राइट. ओके विदिता, मिहिर, दानिया, रैना, आदित्य, धनिष्ठा, शौर्या, तपस्या, चार्ली एंड पी एस. इज देयर अ स्पेशल क्लास फॉर साइंस, आई एम नॉट टू श्योर. चलो बच्चों नाइन्थ क्वेश्चन.
लायंस शेयर क्या होता है? श्रावणी बता तो दिया, ध्यान से सुनो तो सही। लायंस शेयर भी मैंने आप लोगों को बहुत बारी कराया है, बताएं। यस बच्चों, लायंस शेयर इज अ ग्रेटर शेयर ऑफ अ थिंग। तो किसी भी चीज का सबसे बड़ा शेयर लायंस शेयर होता है। फॉर एग्जाम्पल, पिज्जा जब घर के अंदर खुलता है, स्पेशली डोमिनोज का, तो सबको मन करता है टू टेक द लायंस शेयर, राइट? इजंट इट ट्रू बच्चों? नो प्रॉब्लम रिमशा, दैट्स कम्प्लीटली फाइन डियर, है ना? बिल्कुल सही बात बच्चों, जब भी पिज्जा घर में खुलता है तो सबको लायंस शेयर खाने का मन करता है। That's what is meant by lion's share. Is there a science classes at 12:30? I think yes, there is. Is there cold in Jammu? अभी तो बहुत ही गर्मी और humidity है, but सर्दियों में तो definitely बहुत सर्दी होती है। That's great, Abhinav. All the best. ओके, विदिता, मिहिर, दान्या, रेना, आदित्य, चार्ली, युवराज, धनिष्ठा, नितेश, मुझे ब्रूनो देखना है। ब्रूनो जी मजे से एसी के अंदर सोए हुए हैं। भी कर लो आपकी क्लास भी, मुझे आपका ओके, मुझे कुछ समझ नहीं आया श्रावणी आपने क्या लिखा। Oh, that's great, Eva. चलो बच्चों, last question. Nitish, you're from Karnataka. Okay, good. To bury the hatchet का क्या मतलब होता है? बिल्कुल सही, टू बारी द हैचेट का मतलब होता है टू मेक अप अ क्वारल, यानी कि लड़ाई जो होती है उसको खत्म कर देना, ठीक है? तो वो कहावत है ना, लड़ाई लड़ाई माफ करो, उसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगी। सो या वो जो लड़ाई लड़ाई माफ करो वाला कॉन्सेप्ट है ना, दैट इज टू बारी द हैचेट। नो ऑप्शन इज राइट हियर, व्हाई नॉट? ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। हैचेट, हैचेट का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? क्या समझ नहीं आया सत्यम, क्या बोल रहे हो? अभिनंदा, मेरी नेक्स्ट क्लास यूट्यूब पे कल सुबह 10 बजे डियर। रुको, हैचेट का मतलब पूछ रहे थे ना आप? हाँ, हैचेट होता है छोटी सी कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी जो होती है ना, जो पेड़ काटने के काम आती है, दैट इज अ हैचेट। हाँ बिल्कुल, हम लोग एक और क्विज करेंगे अभी, विनर्स को सर्टिफिकेट देने के बाद में हम लोग एक और क्विज करेंगे। ओह नो प्रॉब्लम रैना, विदिता, दानिया एंड मिहिर, यू लिंक इन योर डिस्क्रिप्शन ऑफ मेंटी। अच्छा सत्यम, यार वो लिंक भेजना मुझे नहीं आता है, पहले रुको जाओ मैं विनर्स के नाम लिख दूं। विदिता, दानिया एंड मिहिर, ओके गुड जॉब। वो नाइस, दैट्स नाइस। मैं मेरे भी ऑनलाइन क्लास भी कर रही हूँ, आपका भी करें। ओह दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है श्रावणी, बहुत अच्छी बात है श्रावणी।
शेली हैप्पी बर्थडे। बच्चों अभी हम एक और क्विज करेंगे, वी स्टिल हैव 15 मिनट्स टू गो। तो मैं एक छोटी सी क्विज निकालती हूँ, रुक जाओ, लेट मी चेक इफ आई हैव अ स्मॉल स्मॉल क्विज। या ठीक है, हम लोग एक छोटी सी क्विज करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, हम लोग एक और क्विज करेंगे। चलो एक और क्विज करेंगे। 47, 10, 91, 98। श्रावणी बताया तो है, कितनी बारी बताऊं, जम्मू में रहती हूँ यार। हाय गीत, सॉरी अभी ना मुझे आपका सेंटेंस समझ नहीं आया, फिर से बताओगे? ये ग्रामर की मेंटी है बच्चों। 47, 10, 91, 98। 47, 10, 91, 98। ओके अक्षरा, नो प्रॉब्लम, आई विल मिस यू। सभी बच्चे ज्वाइन करो जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी, विनस को सर्टिफिकेट भी देना है। ये बच्चों एडवर्ब्स की मेंटी है, तो आप लोग ज्वाइन कर ले। ओ ओ सॉरी प्रदीप, मैं तो सिर्फ सर्टिफिकेट टॉप 3 को ही देती हूँ। 47, 10, 91, 98। योर मोस्ट वेलकम गीत, वेरी स्वीट नेम बाय द वे। ओहो अक्षदा, तो फिर आप रुक जाओ, मेरी क्लास अटेंड कर लो। 47, 10, 91, 98। दनिष्ठा, ओ ओ सॉरी 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 दनिष्ठा यार, सर्टिफिकेट तो टॉप 3 को ही मिलता है, आपको तो पता ही है ना। चलो सो बच्चों आप लोग जल्दी से मेंटी ज्वाइन करो, तब तक मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट अपडेट्स दे देती हूँ विच आई नीड टू गिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज अन अकेडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, घर बैठे बैठे पढ़ने का मौका, सभी कोर्सेज का एक्सेस, टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, रेगुलर आप ट्यूरिंग सेशन, पूरे सिलेबस का कवरेज, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज एंड बैच कोर्सेज। ठीक है बच्चों, और इसका प्राइस क्या है? तो बच्चों प्राइस है 2 साल 2 ईयर्स के 25,000, 18 मंथ्स 20,000, 15 मंथ्स 18,000, और इस प्राइस पर मिलेगा आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट यूजिंग माय कोड SOS10। ठीक है बच्चों, देन गोइंग फॉरवर्ड इज योर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ओह दैट्स नाइट अक्षदा, दैट्स ग्रेट अक्षदा, नो प्रॉब्लम, दैट्स फाइन अभिनव। ओके सो बच्चों आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के फीचर्स हैं पर्सनल मेंटोर, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन, वीकली रिपोर्ट कार्ड, पेरेंट कनेक्ट, स्टडी प्लानर, और सभी बेनिफिट्स प्लस सब्सक्रिप्शन के। नाउ व्हाट्स द प्राइस? तो प्राइस है 2 साल 48,000, 18 मंथ्स 35,000, 15 मंथ्स 32,000, और इस प्राइस पर 10% डिस्काउंट यूजिंग माई कोड SOS10। हे प्रगति, अरे दृष्टि, कल शाम को 4 बजे मेरी स्पेशल क्लास थी, आज भी शाम को 4 बजे मेरी स्पेशल क्लास है। मैंने कितनी बारी बताया, अनअकैडमी ऐप पर है स्पेशल क्लास। दृष्टि डेफिनेटली स्पेशल क्लास में जरूर आइएगा, आज भी है। ठीक है, देन बच्चों क्लास अपार्ट इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स। तो एक क्विक रिविजन करने के लिए, बिल्कुल दृष्टि मेरी स्पेशल क्लास थी अनअकैडमी ऐप पर, आज भी है 4 बजे स्पेशल क्लास। ठीक है सो बच्चों, अगर आपको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहिए, अपनी सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहिए, गो टू क्लास अपार्ट, जहाँ पर आपको एक क्लास में एक चैप्टर कराया जाएगा। एंड बाय द वे, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, आज भी शाम को 4 बजे मेरी स्पेशल क्लास है ऑन दी अनअकैडमी ऐप। यूज़ माई कोड SPSO10 एंड अनलॉक योर फ्री स्पेशल क्लास। ठीक है, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है दनिष्ठा, आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू हियर दैट। ठीक
है बच्चों, देन सीबीएसई प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर ऑफर्स चल रहे हैं, तो जल्दी से जाइए, मेरा कोड यूज करिए SOS10 और अपनी सब्सक्रिप्शन खरीद लीजिए। बहुत कुछ फ्री मिल रहा है, हमेशा नहीं मिलता है। हाय ज्वल, ओके चलो मैं विनर्स को सर्टिफिकेट दे देती हूँ। सो यू हैव विदिता, दानिया एंड मिहिर। मैं विदिता आपको तो मिल चुका है, तो मैं दानिया और मिहिर को दे देती हूँ। इट इज 11th टुडे। दानिया टेक योर सर्टिफिकेट। दानिया टेक योर सर्टिफिकेट एंड देन मिहिर। नो प्रॉब्लम नितीश। ओके, ये लो मेरी स्क्रीनशॉट। ये लो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द स्केड्यूल बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो स्केड्यूल का, जल्दी से। वेयर इज ब्रूनो? ही इज स्लीपिंग। अक्षदा स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अक्षदा टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है? चलो थैंक यू धनिष्ठा। अक्षदा टेक अ स्क्रीनशॉट, चलो चलो बच्चों। सो सेकंड अपना हमारा सर्टिफिकेट है मिहिर के लिए। चलो मिहिर, यू ऑल्सो टेक योर स्क्रीनशॉट। मैंने आज क्या कराया दृष्टि, आज वेंसडे है तो हमने आज ईडियम्स किए हैं खूब सारे। थैंक यू ओमकार। मैं बच्चों फ्राइडे को ना मैं ब्रूनो की एक वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है? हाय ज्वेल, जल्दी ज्वाइन कर लो बच्चों, छोटी सी मेंटी है ये, छोटी सी मेंटी है ये, जल्दी से ज्वाइन कर लो। ओहो धनिष्ठा, देखते हैं हो सका तो। चलो लेट्स स्टार्ट इट एट द काउंट ऑफ 1 2 3 एंड गो। या प्रहर्षिता, दैट्स राइट। She has a golden voice, that means she sings beautifully. बताओ यहाँ पे बच्चों ये beautifully कौन सा part of speech है, जल्दी से बताओ। Same here Raina, beautifully कौन सा part of speech है, जल्दी से बताओ। Correct, बिल्कुल सही बच्चों, it's an adverb. बिल्कुल सही, इट्स एन एडवर्ब, बिल्कुल सही। चलो लेट्स चेक आउट द लीडर बोर्ड। नितीश कोई बात नहीं, मैं फ्राइडे को ब्रूनो की वीडियो पक्का दिखाऊंगी आपको, ठीक है? शाम को 4 बजे की क्लास में। ओके नितीश, परंजलि, दान्या, हर्षिता, ईवा, आदित्या, रैना, आकांक्षा, लव यू आकांक्षा, नितिका, थैंक यू नितिका एंड जारिया। यस प्रहर्षिता, सही बात है। चलो बच्चों सेकंड क्वेश्चन।
You are my oldest student, so your name starts with J. ओके अभिनंदा, कुछ कैलकुलेशन होती है बेटा अलग से। अभिनंदा अरविंद, व्हाई आर यू अनहैप्पी बाय द वे? सो या डोंट टेक अ डिसीजन हेस्टिली। हेस्टिली होता है जल्दबाजी में डिसीजन मत लेना। थिंक ओवर इट सम टाइम, यानी कि सोच समझ के लेना। जे फॉर जोयल, स्मार्ट बॉय। हाँ, करने पर क्या? अनअकैडमी डाउनलोड करने पर पे करना पड़ेगा? नहीं ज्योति, अनअकैडमी आप बिल्कुल फ्री है, कुछ पे नहीं करना है आपको। अगर आप उसकी सब्सक्रिप्शन खरीदते हो फिर आपको पे करना है, तो वो बिल्कुल फ्री है। ओके नीतीश, ईवा, ज्वलन, अक्षन, दान्या, आदित्य, निकिता, अभिनंदा, रैना, शौर्या एंड अपूर्वा। हाय हाय यार प्रदीप, वो ऐसे आपकी उस क्वेश्चन में सेकंड पोजीशन होगी, बट थ्रू आउट आपके सारे मार्क्स मिलाकर जब टॉप 10 में हो तभी आपका नाम लीडर बोर्ड पे आता है। ठीक है धनिष्ठा, आई होप इट इज क्लियर टू यू। श्रावणी, आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर मैसेज भेज सकते हो डियर। थैंक यू दृष्टि। श्रावणी, आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर मैसेज भेज सकते हो। यू हैव टू सिंपली डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप, फॉलो मी देयर, और आप मुझे वहां पे पर्सनल मैसेज भेज सकते हो। ओके द सोल्जर्स फॉट सो ब्रेवली दैट द एनिमी ट्रूप्स फ्लेड। फ्लेड का मतलब होता है भाग गए, ब्रेवली मतलब एकदम हिम्मत से। मैसेज बंद हो गए क्या? थैंक यू ओमकार। ओके लेट्स गो अहेड। बच्चों आप लोग मैसेज भेज सकते हो ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, कि मैसेज बंद हो गए हैं? एब्सोल्युटली करेक्ट प्रहर्षिता, मैसेज नहीं भेज सकते हो क्या किसी एजुकेटर को? है ना, यू कैन सेंड मैसेज ऑन द अनअकैडमी ऐप। श्रावणी, यू कैन सेंड मी अ मैसेज ऑन द अनअकैडमी ऐप। ठीक है चलो। या यू कैन सेंड अ मैसेज। अच्छा इज इट, नहीं भेज सकते क्या? ओके आई हैव नो आइडिया। बच्चों यार हाफ सेंचुरी तो कर देनी थी जाते जाते लाइक्स की। एडवर्ब चूज करना है। व्हेन इज योर नेक्स्ट क्लास टुडे? धनिष्ठा, मेरी आज 4 बजे अगली क्लास है ऑन दी अन अकेडमी ऐप। ठीक है ऑन दी अन अकेडमी ऐप में नेक्स्ट क्लास है, तो आप मेरा कोड यूज करो SPSO10 और ज्वाइन कर लो मेरी क्लास को। दैट्स ग्रेट दृष्टि, आई विल वेट फॉर बोथ ऑफ यू टू ज्वाइन इन। चलो आई थिंक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, या फिर हो गया, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन रह गया ना। हाँ लास्ट क्वेश्चन रह गया है। ओ आपका बर्थडे है क्या आज दर्श? हैप्पी बर्थडे। देर आर सम आलसी बच्चे। यस रहना बिल्कुल सही, देर आर सम आलसी बच्चे जो वीडियो को लाइक नहीं करते। यू आर एब्सोल्युटली राइट। थैंक यू धनिष्ठा, थैंक यू जारिया, थैंक यू सो मच। ओ ओ ओ ओ ओ मैंने छोटी सी ग्रामेटिकल एरर कर दी है। टॉप 10 प्रहर्षिता, मैं तो नहीं देती टॉप 10 को। हाँ व्हाई डोंट यू टॉक स्लोली, आई कैन हियर प्रॉपरली। तुम आस्ते बात क्यों नहीं करते हो, मुझे प्रॉपरली सुनाई देता है। ठीक है सो व्हाई डोंट यू टॉक स्लोली, आई कैन हियर प्रॉपरली। तो
तो यहाँ पे स्लोली आंसर है, लाउडली नहीं. अगर आप प्रॉपरली सुन सकते हो तो आप किसी को ऊंचा बात करने के लिए क्यों बोलोगे? हो, थैंक यू ईवा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू. नितेश, कोई बात नहीं, मैं संडे को ब्रूनो आपको दिखाऊंगी. एंड नितिका, थैंक यू सो मच. नितेश, नितिका एंड शौर्या, तो आप तीनों को सर्टिफिकेट ना कल मिलेगा. मैं नाम लिख लेती हूँ, नितेश, नितिका एंड शौर्या, आप तीनों को बच्चों सर्टिफिकेट मंडे को, सॉरी मंडे को नहीं, कल 10 बजे की क्लास मिलेगा, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है. तो आप नेक्स्ट क्लास में जाएं. ओह ओके प्रहर्षिता, श्योर श्योर आई विल डू दैट. श्योर प्रहर्षिता, बी इज करेक्ट. क्यों भाई, चेक कर लेते हैं. नहीं, बी इज नॉट करेक्ट. व्हाई डोंट यू टॉक स्लोली, आई कैन हियर. तुम आस्ते बात क्यों नहीं करते हो, मुझे प्रॉपरली सुनाई देता है. ये मतलब स्टेटमेंट का. आई होप ज्वल इट इज क्लियर टू यू नाउ. बी इज नॉट करेक्ट, ए ही उसका करेक्ट आंसर है. ठीक है, थैंक यू ओमकार. चलो बच्चों, थैंक यू सो वेरी मच. मिलते हैं आज शाम को 4 बजे मेरी स्पेशल क्लास में. ठीक है. नो यार, इफ यू कैन हियर प्रॉपरली तो फिर दोनों कैसे आंसर्स हो सकते हैं, खुद सोचो. ठीक है बच्चों, बाय बाय, लव यू ऑल. शाम को 4 बजे मिलते हैं ऑन द अनअकैडमी ऐप इन माय स्पेशल क्लास. बाय बाय एवरीबॉडी.